गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मैं अनुराग अग्रवाल, मैं एक बिजनेस कोच हूँ और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ, और आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चाइना की। ये चाइना भारत से इतना आगे कैसे निकलता जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि 1978 में भारत और चाइना की GDP एक जैसी थी? कैसे ये सिर्फ 40 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया? कैसे इतनी जल्दी दुनिया का सबसे तेज से बढ़ने वाला देश बन गया? और रुक तो रहा ही नहीं है, बड़े चले जा रहा है। चाइना की प्रोग्रेस यूं नहीं जा रही है, यूं जा रही है। चाइना हार्ड वर्क में नहीं, स्मार्ट वर्क में विश्वास करता है, विजनरी देश है, 50 साल आगे की सोचता है। मैं आपको बता दूं, चाइना की 52% पॉपुलेशन तो धर्म पर विश्वास ही नहीं करती, यानी कि चाइना में आधा से ज्यादा लोग जो कि किसी भी धर्म को विश्वास नहीं करते, फॉलो नहीं करते, क्योंकि चाइना एक एथिस्ट कंट्री है। वो ये सोचते हैं कि हम सबसे आगे कैसे निकलेंगे। वो अपना समय और पैसा धर्म की जगह पर कर्म पर लगाते हैं, अपने आगे आने वाले कल पर लगाते हैं, देश पर लगाते हैं। हमारी एवरेज ग्रोथ रेट पिछले 40 सालों में सिर्फ मात्र 6% है, जबकि वहीं पर चाइना की ग्रोथ रेट 10% के करीब है एवरेज। पॉपुलेशन में विस्फोट दोनों देशों में हुआ। हमारी सरकारों ने अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी, रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी, बच्चे कम पैदा करो, जबकि चाइना ने एक बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों से से निपटा, तरह तरह के जुर्माने लगाए उन पर। चाइना की 100% पॉपुलेशन एडवांस एजुकेशन तक पहुंचने वाली है। भारत में कमी नहीं है, ना भारतवासियों में कमी है। कमी है तो सिर्फ शिक्षा की। चाइना आगे है तो सिर्फ एजुकेशन के कारण आगे है। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, चाइना से आगे निकलेगा इंडिया। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो चाइना न बनाता हो। चाइना दूसरों की चीजों को करना जानता है। चाइना देखता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिकने वाली चीज है, चारों तरफ देखता है और उसको बनाना शुरू कर देता है। चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी पहली प्रेफरेंस बन चुका है। चाइना को ग्लोबल फैक्ट्री कहा जाने लगा है। चाइना में गवर्नमेंट, बिजनेसमैन और नौकरी पेशा के साथ में पार्टनरशिप में काम करती है। चाइना में 1978 में 23 से FDI शुरू किया, इससे वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगने शुरू हो गई, जॉब बढ़ी और चाइना की ग्रोथ सीधा होने शुरू हो गई। इसके बाद चाइना ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, मतलब बनाया चाइना में, बेचा पूरी दुनिया में। आप जानते हैं कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसने शुरू किया मास प्रोडक्शन, और कोई भी चीज हो उसको सबसे पहले चाइना सीखता है, सबसे पहले उसको चाइना बनाता है और सबसे ज्यादा चाइना बेचता है। क्या करता है? सीखता है, बनाता है और बेचता है। दुनिया के 80% ACs चाइना बनाता है, 70% स्मार्टफोन्स भी चाइना बनाता है, 60% शूज है वो भी चाइना बनाता है, यहाँ तक कि 74% सोलर सेल्स भी चाइना बनाता है, 60% सीमेंट चाइना बनाता है, 50% कोल का प्रोडक्शन भी पूरी दुनिया का चाइना बनाता है, 45% शिप्स जो हैं वो भी चाइना बनाता है, 50% स्टील चाइना बनाता है, और इतना ही नहीं, अमेरिका के 90% फ्लैग्स भी चाइना बनाता है। जरा सोच के देखो कि अमेरिका का फ्लैग और अमेरिका से ज्यादा चाइना बनाता है। चाइनीज कोई भी सौदा छोड़ते नहीं है और किसी भी सौदे में नुकसान नहीं उठाते। हम भारतीयों को सीखना है सौदे करने के तरीके। इन्हीं तरीकों की बात हम करते हैं अपने बिजनेस कोर्स बेंचमार्क फॉर बिजनेस में। आप सोच रहे होंगे चाइना केवल चीप प्रोडक्ट्स बनाता है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया के 60% मोस्ट लग्जूरियस ब्रांड्स चाइना में बनते हैं। चाइना ये सब इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास चीप लेबर नहीं, स्किल्ड लेबर है। चाइना में डेवलपमेंट का काम इतनी तेजी से चल रहा है कि पिछले 10 सालों में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ से 7 गुना ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका ने जितना सीमेंट 100 सालों में यानी कि 1901 से 2000 के बीच में यूज किया था, उतना उससे भी कहीं ज्यादा सीमेंट तो चाइना ने सिर्फ 3 साल 2011, 12 और 13 में यूज कर लिया। सोचिए कितनी तेजी से डेवलपमेंट का काम इस समय चाइना में चल रहा है। चाइना में एवरेज हर 5 दिन में एक 50 मंजिल से ज्यादा ऊंची स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बन जाती है। ये एवरेज आ रही है उनकी। उनका टारगेट है कि अगले 7 सालों में यानी कि 2025 तक 40 बिलियन स्क्वायर मीटर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाने का, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 10 न्यूयॉर्क सिटीज बनाने की बात हो रही है अगले 7 सालों में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो भी चाइना के पास है। टेक्नोलॉजी में ये लोग इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि ये लोग जब 2008 में इनके यहाँ पर ओलंपिक्स हुए थे और स्टेडियम में एक मैच के दौरान में बादल आने वाले थे, मैच बहुत महत्वपूर्ण था, मैच खराब हो सकता था, इन लोगों ने फाइटर प्लेन से, रॉकेट लॉन्चर से, एंटी एयरक्राफ्ट गन से बादलों का रुख ही मोड़ दिया। इतने एडवांस है ये लोग। आज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये लोग नहीं बना सकते।
दुनिया में बिकने वाले सबसे ज्यादा स्मार्टफोन चाइना के ही बने होते हैं। दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से भी एक ट्रेन इनके पास है, शंघाई मंगलेव। वो ट्रेन जो कि 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, और उसमें मैं खुद चढ़ा हूं 2009 में, यानी कि करीब 10 साल पहले। आप रेस्टोरेंट में अगर अपने टेबल पर बैठ करके अपने फोन से ऑर्डर करेंगे, खाना आपको अपने आप मिल जाएगा, टेबल तक पहुंचता हुआ मिल जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे भी अपने आप कट जाएंगे। आप डाइटिंग कर रहे हैं क्या और आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं? इन्होंने ऐसी मशीन तक बना दी है जो खाने को देख करके बता देगी कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं और साथ में कितनी कॉस्ट होगी। सारी दुनिया में पुलिस डॉग्स का इस्तेमाल करती है क्राइम्स को रोकने के लिए। ये लोग डॉग्स के साथ में गीज को भी ट्रेन करते हैं। गीज और डॉग्स दोनों यूज करते हैं। गीज जो है वो डॉग से ज्यादा अग्रेसिव होती है। डॉग जमीन पर काम करता है और गीज हवा में उड़कर के अटैक करना जानता है। फ्यूचर के बारे में ये बहुत आगे तक की सोचते हैं कि अगर कभी किसी सिचुएशन ऐसी आई जिसमें कोडेड मैसेजेस भेजने हो और कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम खराब हो जाए, इतना आगे की सोच रहे हैं कि ये कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस के साथ साथ में अपने आप पिजन्स को भी मैसेंजर ट्रेन की तरह शुरू कर दिया, जैसे पहले की होता था। जैसे पहले कबूतर चिट्ठी लेकर के जाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही कबूतरों को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में कोडेड मैसेज को ले जाने के लिए ट्रेन कर रखा है कि बुरे से बुरा भी हुआ तो तब भी ये लोग बुरे से बुरे दिन के लिए भी तैयार हैं। यही सब तो कारण है जिसकी वजह से 1990 में इनका ग्लोबल आउटपुट 3% था, वो आज बढ़कर के 25% तक पहुंच चुका है। अच्छा, मजे की बात देखिए, इतनी ज्यादा आबादी होते हुए भी ये लोग डिसिप्लिन को लेकर के, अनुशासन को लेकर के बहुत जबरदस्त सख्त है ये लोग। उदाहरण लीजिए, आपने एग्जाम में चीटिंग की तो पकड़े जाने पर 7 साल की सजा होगी। अगर आप बुढ़े पेरेंट्स को रेगुलर मिलने के लिए नहीं जाते हो तो आपको जेल तक हो सकती है। किसी कंपनी ने लोगों के साथ में फ्रॉड किया तो उसे फांसी तक की सजा हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये लोग कानून के लिए इतने जबरदस्त सख्त हैं कि दुनिया की 3 गुना ज्यादा फांसियां इसी देश में होती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में चाइना इंडिविजुअल ग्रोथ पर भी काम कर रहा है। चाइना के बजट का एक बहुत बड़ा अमाउंट इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट पर पूरा होता है। पूरी दुनिया में रिसर्च और डेवलपमेंट पर जितना खर्च होता है उसका 1/5 अकेले चाइना करता है। पिछले 25 सालों में चाइना ने 800 मिलियन यानी करीब 880 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इनका जीडीपी ग्रोथ हर साल 10% का है और लिटरेसी रेट इतनी तेज से बढ़ रहा है कि 93.7 तक पहुंच चुका है, 100% पहुंचने वाला है, जो आपको मैंने पहले कहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इंडिया की लिटरेसी रेट से 49% से भी कहीं ज्यादा है। अगर कोई कंपनी चाइना में ऑपरेट करना चाहती है तो उसको सबसे पहले अपने टेक्नोलॉजी को चाइना के साथ में शेयर करना पड़ेगा। मतलब समझते हैं, मतलब हमारे यहां काम भी करो और हमें सिखाओ भी, हम भी करेंगे। इन्होंने सोशल नेटवर्क भी अपने खुद के बनाकर तैयार कर लिए हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल की जगह पर इनके अपने देश के बने हुए सोशल नेटवर्क ये लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने वाटरफॉल तो देखे होंगे पहाड़ों के अंदर, चाइना ने वाटरफॉल खुद बना दिया। मतलब इनोवेशन और क्रिएटिविटी का तो कोई हिसाब ही नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड वाटरफॉल बना दिया है इस चाइना ने। साउथ चाइना सी में मैन मेड आयरलैंड तक बना दिया। दुनिया का सबसे पहला मैन मेड मून चाइना 2020 तक, अगले साल तक तैयार कर देगा। चाइना के ई कॉमर्स पावर हाउस अलीबाबा ने पूरे स्टॉक मार्केट को जबरदस्त हिला के रख दिया था पहले एंट्री में ही। क्या आप जानते हैं बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि दुनिया के 4 सबसे बड़े बैंक चाइना के हैं। चाइना की 12 सबसे बड़ी कंपनियां कोई इंडस्ट्रीज नहीं चलाता, वहां की सरकार चलाती है। ये मैप देख रहे हैं आप, इसमें जो येलो लाइंस हैं वो 6 लेन्स हाई स्पीड हाईवेज हैं। कितने सारे हैं ये इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। बिना ब्रेक लगाए आप कई कई किलोमीटर तक जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 6-लेन हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं। एक यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली के साथ में और दूसरा है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। शायद ही कोई ऐसी रोड होगी हमारे देश में जहाँ पर गड्ढे ना दिखाई दें। चाइना अपने देश के हर हिस्से को दूसरे से जोड़ चुका है, अब वो अपने देश को पूरी दुनिया से जोड़ रहा है। वन बेल्ट वन रोड का ये काम बहुत तेजी से चाइना कर रहा है। इससे चाइना पूरी दुनिया में अपने व्यापार को फैला सकेगा। बहुत आगे की सोचता है। सोचने की बात है, 1978 था जब चाइना और इंडिया एक जैसा था, आज चाइना देखिए कितना आगे बढ़ चुका है, कितनी आगे की सोच रहा है। जब चाइना कर सकता है तो मैं पूछता हूं हम लोग क्यों नहीं कर सकते।
जैसे चाइना ने अपना व्यापार पूरी दुनिया में फैला रखा है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपका व्यापार भी बिल्कुल वैसे ग्रो करे जैसे चाइना कर रहा है, तो आइए हमारा बिजनेस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। हम आपको बताएंगे कैसे अपने बिजनेस को सारी दुनिया में फैलाना है, कैसे अपने टर्नओवर को 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना तक लेके जाना है। साथ में आप हमारा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे की तरफ जाके आपको इसको लाइक करना है, शेयर कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जो हमें चाइना के बारे में सीखना चाहिए तो नीचे जाके कमेंट में जरूर लिखेगा, सेक्शन में जरूर लिखेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहे। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बेसिंग या गुड नाइट।